नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक अनसुईया और आप देख रहे हैं कुश्ती का मेरा चैनल अनसुईया 1974 कुश्ती रेसलिंग टीवी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिर एक बार दो महान बढ़िया और शानदार पहलवानों की, जिन्होंने कर्नाटका में बहुत शानदार कुश्ती लड़ी है और उस कुश्ती के बारे में भी थोड़ा सा हम रिव्यू करेंगे। दोस्तों, ये दोनों पहलवान हैं महाराष्ट्र के शानदार मराठा मानूस, मराठा की महाराष्ट्र की शान सिकंदर पहलवान, और दूसरे पहलवान है पंजाब की शान और पंजाब की शान पंजाब केसरी पहलवान जो है प्रीतपाल फगवाड़ा। बहुत अच्छे दोनों पहलवान हैं। इन दोनों पहलवानों की कुश्ती कर्नाटका जो है कुश्ती गिर लोगों ने जो है अपने दंगल में करवाई है। दोस्तों, देखेंगे कैसी है कुश्ती भी, और कुश्ती की जो है आइए रिव्यू शुरू करते हैं। दोस्तों, जब शुरुआत में कुश्ती का जो उद्घाटन होता है वो परंपरा जो है हमेशा हर जगह फॉलो की जाती है। यहाँ कर्नाटका में भी दोनों पहलवानों के हाथ जोड़ी की जाती है, हाथ मिलाई जाती है, फोटोग्राफी होती है, वीडियोग्राफी होती है और फिर पहलवान जो है हाथ मिलाकर कुश्ती शुरू करते हैं। हम देखेंगे दो तीन मिनट पहलवान जो है ऐसे ही कुश्ती जो है चलाते हैं और हम ये देखते हैं कि इन दो तीन मिनटों में गर्म होते हैं पहलवान। लेकिन सिकंदर से एक पहलवान जो है हाथ लगाकर ब्लॉक किए हुए हैं प्रीतपाल पहलवान को, और प्रीतपाल पहलवान थोड़ा सा जो है दस्ती खींचने के प्रयास में है और इस तरह दो तीन मिनट जो कुश्ती चलती है। तो दोस्तों, चार पाँच मिनट तो आपको पता है कि ऐसे ही कुश्ती चलती है। तो दोस्तों, पाँचवें छठे मिनट में कुश्ती में थोड़ा सा गर्मी आती है, सिकंदर जो है लगने की कोशिश करते हैं लेकिन प्रीतपाल उन्हें जो है नीचे बिठा लेते हैं और कसमकस होती है इस तरह से। तो कुश्ती की जो है अब ये शुरुआत होने लगी है, पहलवान गर्म होने लगे। तो दोस्तों, सिकंदर पहलवान जब नीचे हैं, हालांकि उन्होंने कोशिश की थी धाक लगाने की, फिसल गए थे, नीचे आ गए थे, लेकिन अब जो है वो नीचे है तो प्रीतपाल जो है जोर लगा रहे। थोड़ी देर ऐसे ही कुश्ती चलती है। सिकंदर पहलवान जो है नीचे से कैसे उठकर कैंची लगाते हैं भाई साहब, ये देखने लायक है। और कैंची लगा कर एकदम प्रीतपाल को गिराने की कोशिश करते हैं। और कोई पहलवान होता तो भाई यहीं पर कुश्ती खेल ख़त्म थी, लेकिन क्योंकि प्रीतपाल और इन दोनों की कुश्तियाँ हो चुकी है, तीन कुश्तियाँ सिकंदर ने जीती हैं, दो जो है प्रीतपाल ने जीती है, तो उन्हें पता है एक दूसरे के खेल के बारे में। तो ब्लॉक करते हैं प्रीतपाल पहलवान जांघिया पकड़कर। तो ये देखना चाहिए बच्चों को, जो नए बच्चे की किस तरह से कैची लगा रहे हैं सिकंदर जोर, और किस तरह से प्रीतपाल ने ब्लॉक करके खुद को बचाया। बहुत शानदार कुश्ती है। थोड़ी देर ऐसे ही चलती है और फिर रेफरी कहते हैं भाई छोड़ो कुश्ती जो है लड़ो। तो दोस्तों, इस तरह जब कुश्ती छुड़ा दी जाती है तो फिर एक बार दोनों की कुश्ती शुरू करवाई जाती है। अब जो है पहलवान गर्म हो चुके हैं और काफ़ी जो है एक दूसरे को जो है तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ओपनिंग ढूंढ रहे हैं। धक्का मुक्की जो है चलती है दो चार मिनट, इस तरह से पहलवान जो है एक दूसरे को काबू करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जब 13-14 मिनट कुश्ती होती है तो प्रीतपाल को देखते कि वो थोड़ा सा अटैक मारने की कोशिश में, वही काउंटर करते हुए जो है सिकंदर धाक बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन नीचे गिर जाते हैं। पहलवान लपेट लेते हैं, नीचे बिठा लेते हैं। असली पहलवान है वो नीचे से निकल कर आ जाए ना, कहते हैं भाई पहलवान है। और ये और सिकंदर पहलवान के अंदर देखा कि वो नीचे से निकल कर कितनी खूबसूरती से ऊपर आते हैं, और यहाँ पर भी जो है सिकंदर पहलवान निकल कर ऊपर आ जाते हैं। वैसे घुटनों से बचना बड़ा मुश्किल होता है, जस्सा पटनी के पट्टी के घुटने के नीचे कोई आ जाता है तो भाई वो कहता है मैं तो चित होने में ही मेरा भला है। लेकिन यहाँ पर घुटनों के नीचे, पंजाबी पहलवान के घुटनों के नीचे आकर भी सिकंदर जो है सामने आकर खड़े हो जाते हैं, जो कि काबिले तारीफ है। तो दोस्तों, इसी तरह 16-17 मिनट में द्वंद्व चल रहा है। अखाड़े से बाहर जाते हैं सिकंदर प्रीतपाल, वहीं थोड़ा दाव लगाने की कोशिश करते हैं पर छुड़ा दे जाते हैं। फिर अंदर आकर सिकंदर पहलवान जो है अटैक मारते हैं, बहुत शानदार जो है दोहरी पट खींचते हैं, उठा करके प्रीतपाल को फेंकते हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर जो है उनको मिलता नहीं है। तो दोस्तों, कुश्ती का ये 18वां मिनट है, बहुत लंबी कुश्ती चल चुकी है। वैसे तो 10-12 मिनट दिल्ली में करवाते हैं बड़ी कुश्ती, लेकिन भाई कुश्ती के जो शौकीन है देखने वाले पंजाब या महाराष्ट्र में लंबी चलाते हैं, कर्नाटका में भी। तो 18वें मिनट में जो है कुश्ती अब जो है बहुत शानदार दौर में आ चुकी है। दोनों पहलवान गर्म है। यहाँ पर जो है सिकंदर पहलवान झुक करके नीचे पटों में अटैक लगाते हैं, पौवा खींचते हैं, वहीं सिकंदर उनको दबा लेते हैं और टांग गिरने की कोशिश करते हैं। कशमकश चलती है, बहुत शानदार कुश्ती यहाँ पर जो है देखने लायक है। दर्शक तालियां बजा रहे हैं। वहीं से जो है सिकंदर ने दबाए हुआ है, टांग गिरी, वहीं से क्रॉस फेंक करके प्रीतपाल को चित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रीतपाल जो है ब्रिज बना जाते हैं और एक कन्फ्यूजन सा होता है कि भाई कुश्ती में क्या हुआ, और थोड़ी देर के लिए जो है कुश्ती रुकती है। लेकिन रेफरी जो है वहाँ पर दिख रहे हैं, साफ साफ देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई कुश्ती नहीं हुई है। जब ये ब्रिज बनाते हैं और जो फौजी गिरते हैं, क्रॉस फेंकते हैं जब सिकंदर से, तो अच्छा डिसीजन है। और ये डिसीजन दोनों पहलवानों को कन्वे भी किया जाता है कुश्ती जब रोकी जाती है तो, और दोनों पहलवान मानते भी, और एक बार फिर जो है कुश्ती चालू की जाती है 19वें मिनट में।
तो दोस्तों 19-20वां मिनट है और अब ये पता है सिकंदर एक बार दाव लगा के जो है बार बार जो है बचे हैं, बहुत मुश्किल से बचे हैं। प्रीतपाल तो उन्हें पता है आज किसका दिन है, तो कोशिश की जाए दोबारा, वो इस मूड में है। तो वहीं प्रीतपाल भी जानते हैं कि भाई दोनों थक चुके हैं, अब आखिरी जो है फैसला करना होगा। और दोनों पहलवान जब लगते हैं तो उस समय हम देखते हैं कि कुश्ती एब्रप्टली जो है रुक जाती है और प्रीतपाल बोलते हैं कि भाई मुझे चोट लग गई है। और दूसरा सीन जो आता है वो सिकंदर शेख के हाथ उठाते हुए दिखाते, तो जो वीडियो है यूट्यूब की वो इतना ही दिखा रही है क्या। तो और दर्शकों के लिए थोड़ा सा मायूसी का टाइम रहा होगा कि भाई इतनी अच्छी कुश्ती चलते हुए हार जीत जो है फैसला नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी बहुत शानदार कुश्ती थी। और ये इस कुश्ती का रिव्यू मैं आपको आपके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों कैसा लगा आपको बताइएगा। और इस अब जो है दिल्ली देहात में दंगल शुरू हो गए और इन दंगलों में मैं जो है अपनी कवरेज के लिए जाऊंगा, आपको शानदार कुश्तियां दिखाऊंगा। इसके साथ कई अखाड़ों में भी मुझे जाना है कि भाई क्या चल रहा है सब वहाँ पर लॉकडाउन के बाद। इस तरह की चीज़ें आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों मेरा पैट्रियन अकाउंट जो है वो ओपन है, जो मेरे दोस्त लोग हैं वो सपोर्ट करना चाहते हैं वहाँ पर, मैं यहाँ पर लिंक दे रहा हूँ, आप जाकर सपोर्ट कर सकते हैं, मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।